के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक अलग रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है क्या उन्हें आपकी ज़रा सी भी परवाह है, क्या उन्हें आपकी बिल्कुल फिक्र भी है। तो हम ये चेक करते हैं व्यूअर्स आज, और ये रीडिंग पूरी तरह से जनरल रहेगी, सभी के साथ मैच नहीं होगी, लेकिन जिनके साथ भी मैच हो, ओके ये कार्ड पॉप आउट हुआ है, वी विल टेक दिस, जिनके साथ भी मैच होगी वो मुझे बताना ना भूलें, जनरल रहेगी। तो थोड़ा ओपन माइंडेड होकर रीडिंग देखें, और ये सभी साइंस के लिए है, सभी सिचुएशंस के लिए है। आपकी कोई भी सिचुएशन हो, आपका कोई भी साइन हो, आप सिंगल हो, कमिटेड हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, सेपरेटेड हो, डाइवोर्स्ड हो, इवन अगर आप मैरिड हैं और आपका यू नो विरह हो गया है, सेपरेशन हुआ है, तो भी ये रीडिंग आपसे मैच हो सकती है। ओके व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट से, हार्डली एक सेकंड लगेगा, लेकिन आपके सब्सक्रिप्शन से यह वीडियोस और लोगों तक पहुंच पाएंगे और आपकी वजह से और लोगों की भी हेल्प हो पाएगी। चलिए देखते हैं कि क्या आपके पर्सन को आपकी ज़रा सी भी परवाह है। यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है चिंता तो आपके पर्सन काफ़ी करते हैं, यू नो ओवर थिंकिंग करते हैं आपके पर्सन, जो भी हैं वो मेल फीमेल ओवर थिंकर हैं, यू नो दे ओवर थिंक। ओके एस ऑफ सोर्ड्स, वेट अ मिनट गाइस, काफी कार्ड्स गिर गए, नो नॉट लाइक दैट, ओके ओके। यहां पर गाइस ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है, एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो बताता है गाइज आपके पर्सन काफ़ी स्ट्रेस में हैं, काफ़ी टेंशन ले रहे हैं। आपको पता है कि क्या बात है, इतना टेंशन में क्यों है आपके पर्सन? ऐसा लग रहा है कि उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, किंग ऑफ वैंड्स, उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, उनके ऊपर हज़ार गुना प्रेशर लग रहा है मुझे, उनको काफ़ी चिंता है किसी बात की। ओके द लवर्स, गाइज आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ऐसा नहीं, ओ एम्परर, अच्छा तो ये बात है। क्वीन ऑफ कप्स इज द एनर्जी ऑफ टेक व्यूअर्स, यहाँ रख देती हूँ, क्वीन ऑफ कप्स इज द एनर्जी ऑफ टेक। गाइस सॉरी इफ यू आर हैविंग एनी बैकग्राउंड साउंड्स। ओके तो यहाँ पर आपके पर्सन को आपकी फिक्र है कि नहीं, देखिए गाइज आपके पर्सन पहली बात तो ये वो जो भी हैं काफ़ी गुड लुकिंग होंगे, अच्छे दिखते होंगे, और अच्छे नहीं दिखते होंगे तो काफ़ी कॉन्फिडेंट होंगे। अब अच्छे नहीं दिखते होंगे का मतलब ये नहीं कि वो अच्छे नहीं दिखते, यानी कि उनकी पर्सनालिटी जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव होगी, उनके काफ़ी फ्रेंड्स ईजिली बन जाते होंगे, वो काफ़ी फ्रेंडली होंगे, और यू नो काफ़ी उनका फनी बिहेवियर होगा, काफ़ी ह्यूमरस हो सकते हैं वो। ओके व्यूअर्स, यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन जो हैं काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के हैं, और उनका काफ़ी ना काफ़ी प्राउड ही होंगे, काफ़ी उनका जो ईगो है वो बहुत होगा, यानी कि वो यू नो परेशान हो सकते हैं, तड़प सकते हैं दुख से, लेकिन अपने आप को झुकाना नहीं चाहते। बड़ी अजीब सी बात है ये, क्योंकि वो आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, वो अपने दिल और दिमाग के बीच में ना गाइस झूला झूल रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है, दे लव यू, और ये कनेक्शन ऐसा वैसा कनेक्शन नहीं है, ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है गाइस। आप लोगों का ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, काफ़ी डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, यू आर लवर्स, और अभी के लवर्स नहीं हो सकता है कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो, और श्योरली मैं बहुत जल्दी एक पास्ट लाइफ कनेक्शन के ऊपर भी रीडिंग लेकर आने वाली हूँ, तब वहाँ पर हम चेक करते हैं कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है या नहीं आपके पर्सन से। पर यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, और इस बात को लेकर वो काफ़ी क्लियर भी हैं, ओके वो काफ़ी क्लियर हैं इस बात को लेकर दैट दे लव यू, उनको पता है, उन्हें इस बात का रियलाइजेशन है कि उनके मन में डीप फीलिंग्स हैं आपके लिए, एक डीप कनेक्शन फील करते हैं वो आपसे, उनको ये बात का रियलाइजेशन है, लेकिन गाइस वो अब परेशान हैं, उनको रातों को नींद नहीं आ रही है, उन्हें एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, और वो सो भी नहीं पा रहे, सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, लेकिन ये सब कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं आपके पर्सन? क्योंकि व्यूअर्स देख लीजिए यहाँ पर एम्परर का कार्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने एटीट्यूड को, अपने ईगो को, अपने एरोगेंस को वैल्यू दे रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि मैं क्यों झुकूँ, अगर सामने वाले को भी मुझसे प्यार है तो पहले वो क्यों ना आए, पहले वो क्यों ना बोले कि वो मुझसे कितना प्यार करता है या करती है, मैं ही क्यों बोलूँ।
मुझे नहीं झुकना है, मैं कभी हारना पसंद नहीं करता, मैं हारना पसंद नहीं करती, तो आपके पर्सन इस टाइप के होंगे, उन्हें हमेशा जीतना पसंद है, कभी हारना नहीं पसंद, चाहे कोई छोटी लड़ाई हो या कोई छोटा गेम हो, उनकी पर्सनैलिटी इस टाइप की है, थोड़ी यू नो पावरफुल पर्सनैलिटी है, काफ़ी कॉन्फिडेंट है, पावरफुल है। किंग ऑफ वैंस भी यही बता रहा है कि उनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि उन्हें झुकने से पहले दो बार सोचना पड़ता है कि मैं ऐसा करूं कि ना करूं, सॉरी बोलूं या ना बोलूं, अपना प्यार एक्सप्रेस कर दूंगा तो कहीं वीक तो नहीं लगूंगा, अपना प्यार एक्सप्रेस कर दूंगी तो कहीं वीक तो नहीं लगूंगी, मैं तो बहुत पावरफुल और कॉन्फिडेंट हूँ, इस टाइप की आपके पर्सन की थिंकिंग है। तो वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, वो सोचते हैं कि सोसाइटी में मेरी एक रिस्पेक्ट है, सोसाइटी में लोग मुझे जानते हैं कि मैं कितना अट्रैक्टिव हूँ, कितनी अट्रैक्टिव हूँ, और मुझे काफ़ी ऑफर्स भी आते हैं, यू नो अगर मैं किसी के आगे सॉरी बोलूँ या ऐसे माफ़ी मांगूँ या अपना दुख एक्सप्रेस करूँ तो शायद मैं वीक लगूँगा। तो अपनी पर्सनैलिटी की, लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, उस बात की चिंता आपके पर्सन को हैवी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्यार नहीं करते, वो आपको प्यार करते हैं, इसीलिए उन्हें इतना दुख हो रहा है, इतनी तकलीफ हो रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप वो रियलाइज़ कर चुके हैं कि आप लोगों का कोई कनेक्शन है। देखिए ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर कि आपके पर्सन गाइस दिखाएंगे तो ऐसा आपको, ये कि मुझे दोनों कार्ड में ऐसा ही लग रहा है, आपके पर्सन आपको ऐसा दिखाएंगे कि वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है, बहुत ग्रोथ कर रहे हैं, उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है, वो मूव ऑन कर चुके हैं और उनके पास बहुत ऑप्शंस हैं, उन्हें आपसे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन गाइस जेन्युइनली उनकी हालत ऐसी है, इस तरह की उनकी हालत है, सर पकड़ के बैठने वाली सिचुएशन है, अपने आप को यू नो एक ऐसा इंसान होता है जो मैसेज करना चाहता है पर रोकता है अपने आप को, कॉल करना चाहता है पर अपने आप को रोकता है, वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो इंसान इतना इरिटेट हो जाता है कि उसकी हालत ऐसी हो जाती है, लेकिन वो इंसान शो क्या करता है, वो इंसान गाइस शो ये करता है कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आई एम द किंग एंड आई एम हैप्पी द वे आई एम, वो आपको ये शो करेंगे कि मैं अभी भी झुकता नहीं हूँ, ना झुकूंगा कभी, ना झुकती हूँ, आपको ऐसी चीज़ें शो कर रहे हैं वो, यू नो अपना एटीट्यूड दिखा रहे हैं आपको, लेकिन गाइस वो आपको यहाँ पर आगे लग रहा है कि प्यार ऑफर करेंगे। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि उनको स्ट्रेंथ की कमी है, उनको इतना करेज नहीं है, क्योंकि उन्होंने गलत समझा हुआ है, वो समझते हैं कि हमेशा पावरफुल रहते हो अगर आप कभी सॉरी नहीं बोलते हो, झुकते नहीं हो, तो उसी से पता लगता है कि आप कितने स्ट्रांग हो, पर ये बात गलत है। अगर आप अपने प्यार को एक्सप्रेस कर सकते हो और साथ में अपने दुख को भी एक्सप्रेस कर सकते हो, इससे पता लगता है कि आप में कितनी स्ट्रेंथ है, आप में कितनी हिम्मत है, और यहाँ पर लग रहा है कि आपके पर्सन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं गाइस आपको ऑफ़र करने की, लेकिन ये किंग क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि आपके पर्सन आपको ऑफ़र ज़रूर करेंगे। व्यूअर्स जब तक आपके पर्सन स्ट्रेंथ नहीं कलेक्ट कर लेते, यानी हिम्मत नहीं जुटा लेते, एक स्ट्रेंथ इकट्ठा नहीं करते अपने अंदर कि वो ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है, ये कोई हार जीत का खेल नहीं है, ये तो प्यार की बात है, जब तक उन्हें ये समझ में आएगा वो तब आपको ऑफ़र करेंगे, तब तक के लिए वो ऑफ़र नहीं करेंगे, अपने आप को परेशान करते रहेंगे। तो व्यूअर्स आप भी ये मत सोचिएगा कि वो खुश हैं अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं है, वो बर्डन फील कर रहे हैं, उन्हें भी आपके पास आने की उतनी ही जल्दी है जितनी कि आपको, ओके। तो उन्हें आपकी परवाह है व्यूअर्स, ऐसा नहीं है कि उन्हें आपकी परवाह नहीं है, यू जस्ट नीड टू बी पॉजिटिव एंड यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ, आपको अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, जैसा कि वो देखेंगे कि आप मूव ऑन करते जा रहे हो, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, उन पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो वो और ज़्यादा जल्दी करेंगे आपके पास आने की, तो आपको यही करना है, ओके व्यूअर्स। तो अगर ये रीडिंग आपसे मैच हुई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ओके। और वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं न्यू वीडियोस लेकर आऊँ किसी भी टॉपिक पर, तो सबसे पहले आपको पता चल जाए, ओके। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ओके व्यूअर्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय बाय।